अब इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, ये उसी टाइप की लैंग्वेज है। एन ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ए प्रॉपर्टी इज एन एसोसिएशन बिटवीन ए नेम एंड ए वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है प्रॉपर्टीज का कलेक्शन, ए वैल्यू। और प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएशन होती है नेम और उसकी वैल्यू के। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कंटेन्स मैनी वैल्यूज। एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट रिटन एज नेम कॉलन वैल्यू पेयर्स। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज होती हैं और जो वैल्यूज होती हैं वो किस फॉर्म में होती है? नेम कॉलन वैल्यू के पेयर में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर पर्सन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस फॉर्म में है? नेम कॉलन वैल्यू। यानी नेम क्या है? फर्स्ट नेम। और इसकी वैल्यू क्या है? नेहा। लास्ट नेम की वैल्यू क्या है? शर्मा। एज की वैल्यू क्या है? 22 इयर्स। जावास्क्रिप्ट हैज सेवरल बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रिंग, डेट, एरे, मैथ, ईटीसी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, स्ट्रिंग टाइप के, डेट टाइप के, एरे, मैथ इस टाइप। अगर आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो आपको कैसे लिखना पड़ता है? तो प्रॉपर्टीज आर दी वैल्यूज एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो वैल्यूज होती हैं जो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो अगर आपको उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज एक्सेस करनी है, तो आप कैसे करोगे? तो सिंटेक्स फॉर एक्सेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपके अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो क्या लिखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो जैसे पर्सन ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट नेम मुझे फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट नेम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम से मुझे क्या मिल जाएगा? जो पर्सन के पर्सन ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है नेहा, वो मुझे मिल जाएगा। अगर हम बिल्ट इन डेटा टाइप, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो अगर हमने लिखा है वेयर नेम इक्वल्स टू नेहा, तो यहाँ पर नेम जो है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये, तो इसका हम इस पर हम प्रॉपर्टीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग एरे है, तो स्ट्रिंग एरे के लिए स्ट्रिंग एरे की प्रॉपर्टी क्या होती है? एरे की प्रॉपर्टी क्या होती है? लेंथ। तो हमने लिखा नेम डॉट लेंथ, तो ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की लेंथ प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू आपको क्या मिल जाएगा? इसमें वैल्यू मिल जाएगी 4, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं? 4 हैं। तो हमें नेम डॉट लेंथ लिखने से क्या मिलेगी? वैल्यू 4। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेथड्स। अब मेथड्स आर दी एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं मेथड्स। तो हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल करते हैं? तो सिंटेक्स टू कॉल ए मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ेगा, फिर मेथड नेम और ब्रैकेट्स, फिर सेमी कॉलन। हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग की बात करें, जैसे वेयर नेम इक्वल्स टू हमने नेहा लिखा है, तो इसके मेथड कौन सा यूज हो सकता है स्ट्रिंग के साथ? टू अपर केस। अगर मैं नेहा जो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, एन कैपिटल, मैं चाहती हूँ कि इस नेहा में सारे कैपिटल्स, सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो कैपिटल लेटर हो जाएं, तो उसके लिए टू अपर केस मेथड अवेलेबल है इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर मैंने नेम डॉट टू अपर केस कर दिया तो क्या होगा? ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। क्रिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देख रहे हैं क्रिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो वी कैन डिफाइन एंड क्रिएट आवर ओन ऑब्जेक्ट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पहले से ही ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ जावास्क्रिप्ट में, अगर यूजर चाहे तो खुद के भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है जावास्क्रिप्ट को यूज करके। तो देयर आर 3 वेज टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट मेथड क्या है? डिफाइन एंड क्रिएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल, जो कि सबसे ईजिएस्ट मेथड है। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड यूज करके। विद दिस मेथड वी कैन डिफाइन एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन वन स्टेटमेंट। इस मेथड को यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट में। एन ऑब्जेक्ट लिटरल इज ए लिस्ट ऑफ नेम कॉलन वैल्यू पेयर्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड में क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट होती है नेम कॉलम वैल्यू पेयर्स की। तो जैसे सिंटेक्स अगर हम देखें तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू हमें लिखना पड़ता है प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1 कॉमा प्रॉपर्टी 2 वैल्यू 2 अप टू प्रॉपर्टी n कॉलन वैल्यू n। तो जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज बनानी है वो और उनकी वैल्यू
का पेयर बनाना पड़ता है। तो एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे करना होता है। तो हम कर रहे हैं क्रिएटिंग अ न्यू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल। तो हमने यहाँ पर लिखा डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल टैग बॉडी स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं पर्सन। अब देखो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, प्रॉपर्टी क्या है फर्स्ट नेम कॉलन, वैल्यू क्या है नेहा कॉमा। अब यहाँ सिंगल लाइन में भी लिख सकते थे, मैंने उसको मल्टीपल लाइंस में लिखा है। कॉमा लास्ट नेम कॉलन शर्मा कॉमा एज कॉलन 22 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया पर्सन, जिसमें प्रॉपर्टी क्या है फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू है नेहा, प्रॉपर्टी है लास्ट नेम, उसकी वैल्यू है शर्मा और प्रॉपर्टी है एज और उसकी वैल्यू है 22। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। अब अगर आपको इनकी वैल्यूज को एक्सेस करना है प्रॉपर्टीज की, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस इज पर्सन डॉट एज प्लस ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब क्या होगा, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम क्या था नेहा, इसका इज वैसा आएगा नेहा इज, पर्सन डॉट एज क्या थी 22, डबल कोर्स में लिखा है ईयर्स ओल्ड तो लिखाएगा ईयर्स ओल्ड, तो नेहा इज 22 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नेम पहले फर्स्ट नेम की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर डबल कोर्स में एज लिखा है तो इज लिखा हुआ आएगा, फिर पर्सन की एज आएगी और फिर ईयर्स ओल्ड डबल कोर्स में लिखा है तो एज इट इज लिखा आएगा। और यहाँ पर हमने प्लस साइन सेपरेटर की तरह यूज़ किए इसे। फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देंगे, बॉडी टैग और एचटीएमएल टैग। तो इस टाइप से सिंगल स्टेटमेंट यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सबसे ईजिएस्ट मेथड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड मेथड, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर यूज करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे।